जय कुमार जी श्री मिश्रा जी और यहां पर उपस्थित सभी लोग तो एक तो बदलाव थोड़ा यह करते हैं कि मैं हिंदी में बोलता हूँ अभी तक आप लोगों ने बहुत इंग्लिश और आज का जो विषय था वो भी बड़ा टफ विषय है वैसे जो लोग बैंकिंग से या टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए नहीं है तो उनके लिए ये एक सब्जेक्ट को विषय को समझना वो भी ज़रा एक मुश्किल काम रहे तो मैं थोड़ा सा उसको सरल करके बता देता हूँ और तीसरा विषय था जो डॉक्टर अजय अग्रवाल जो कि हम लोगों को नॉर्थ इंडिया से छोड़ के और आज से सैंतीस साल सैंतीस साल पहले इन्होंने रामपुर शहर को विदाई देके और हैदराबाद आके बस गए और अब हम इनको कहते हैं कि भाई अब वापस आ जाओ लेकिन ये आने के लिए तैयार नहीं है इनको हैदराबाद शहर इतना पसंद आया और हैदराबाद शहर के जो रहने वाले लोग हैं उनके साथ इस सैंतीस वर्ष में जो संबंध अजय कुमार जी ने बनाए और उसके बाद पब्लिक रिलेशंस के विषय पे आज अपने विचार व्यक्त किए और एक बुक लिखी है जैसा इन्होंने कहा कि इनकी पब्लिक रिलेशंस स्किल के पहला विक्टिम मैं हूँ आप लोग तो होंगे ही <laughs> लेकिन पहला विक्टिम मैं हूँ और वर्ष उन्नीस में मैं रामपुर शाखा में कार्यरत था और ये सेंट्रल बैंक में थे और तब ये एक संबंध बना इनके साथ हमारा जो आज तक जारी है इस सैतीस वर्ष में जिंदगी के बहुत उतार चढ़ाव सब कुछ आए सफलताएं भी मिलती हैं विफलताएं मिलती हैं दुख भी मिलता है सुख भी मिलता है, तो ये एक लंबी जर्नी रही लेकिन आ, जो अचीवमेंट डॉक्टर अजय अग्रवाल का है कि एक आ, शहर रामपुर या जहाँ तिलहर उस जगह से आना और समाज में एक नए शहर में आके अपना स्थान बनाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि <स्थाथ> है और हम सबको इस बात का बहुत गर्व है और मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह से एक्टिव रहें इसी तरह से सबको साथ बांध के चलें और सभी का मनोरंजन करते रहें रोज सुबह आपके व्हाट्सएप मैसेज जो कि पता नहीं मुझे 2000 लोगों को जाते हैं या कितने लोगों को जाते हैं 8000, 7000 लोगों को जाते हैं जब ये फंक्शन भी हो रहा था बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आप हैदराबाद जा रहे हैं अरे मैंने कहा आपके पास भी इन्विटेशन आए तो ये एक बड़ी स्किल है बहुत समय लगता है ऐसा नहीं है आ, ये पब्लिक रिलेशंस का जो काम है या जो भी काम इन्होंने करा आ, ये तो खैर उसमें डॉक्टरेट अब इन्होंने कर ही लिया है अगर नहीं भी करते तब भी इनको पीएचडी की उपाधि कोई ना कोई यूनिवर्सिटी जो है ऑलरेडी दे देना चाहिए था और जो आज का विषय था फिनटेक का जो थीम है फिनटेक और बैंकिंग इंडस्ट्री तो फिनटेक रविंद्र पांडे ने काफ़ी विस्तार से बताया पैनल डिस्कशन हुआ लेकिन जो हमारा देश है वो इस इंडस्ट्री में तीसरा बड़ा देश है फिनटेक इंडस्ट्री करीब आज 6000 हज़ार से ज़्यादा फिनटेक इंडिया में काम कर रही है और हर क्षेत्र में काम कर रही है और उसकी कई वजह रही हैं क्योंकि आ, मतलब चाइना भी एक अपने आप में एग्जाम्पल है आप लोगों ने अली बाबा का और वी चैट ये सब नाम सुने होंगे तो यू एस चाइना के बाद इंडिया का नंबर आता है और उसके कई कारण हैं सबसे बड़ा कारण ये है कि आज जो स्मार्टफोन्स की बात हो रही थी और पैनल डिस्कशन में आपने सुना होगा तो पिछत्तर करोड़ स्मार्टफोन है इंडिया टोटल पॉपुलेशन अगर इंडिया की 140 है तो पिछहत्तर करोड़ जो है स्मार्टफोन दूसरा क्या है कि जो डाटा है जो डाटा रोज हम कंज्यूम करते हैं मोबाइल इंडिया में सबसे सस्ता है आप समझिए कि एक जीबी डाटा की कीमत जो इंडिया में है और यूएस में है कम से कम 25-30 गुना महंगा है वहां तीसरा जो भारत सरकार ने बहुत से इनिशिएटिव लिए इसको बनाने के लिए इंडिया स्टैक जिसको बोलते हैं या जैम ट्रिनिटी जो कि प्रधानमंत्री जी ने 14 अगस्त 1900 सॉरी 2014 में जो पहला 15 अगस्त को भाषण दिया था जिसमें कि जनधन अकाउंट जिसमें कि सारे भारत में जो भी लोग हैं उनका अकाउंट खुलना, आधार कार्ड और मोबाइल बैंक जैम ट्रिनिटी इसको बोलते तो उसके आधार पे फिर यूपीआई बना जो कि विश्व में जैसा भी पैनलिस्ट ने कहा और आप लोगों ने सुना वो विश्व में एक अनूठा चीज़ है आज ये बिल्कुल सत्य बात है कि यूएसए और यूरोप या जापान जैसे एडवांस्ड कंट्रीज भी जो है आ, ये एक उनके लिए भी एक बड़ा आश्चर्य उनको लगता है कि भारत में यूपीआई जैसी चीज बनी और इसलिए जब बात होती है फिनटेक की तो लोग बस पेटीएम तक रुक जाते हैं या Uh, क्योंकि पेमेंट सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है लेकिन इसके uh, जैसा मैंने कहा छः हज़ार से ज़्यादा फिनटेक्स हैं और हर क्षेत्र में काम कर रही हैं uh, ऐसा नहीं कि केवल पेमेंट में कर रही हैं पेमेंट का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा नज़र आता है बिकॉज हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ भी यूज़ ही करते लोन तो रोज़ लेते नहीं लेकिन दिन में दो चार पेमेंट तो हो जाते हैं और इंटरनेट uh, बैंकिंग uh, और मोबाइल बैंकिंग अगर देखें तो मोबाइल बैंकिंग का प्रचलन इतना बढ़ रहा है कि इंटरनेट बैंकिंग की जरूरत धीरे धीरे कम होती जा रही है और जो योगदान है इस इंडस्ट्री का फिनटेक्स का और स्टार्टअप्स का अभी आ, इंडियन मॉडिट्री मौनित, इंटरनेशनल मॉडिट्री फंड ने अभी एक सर्वे निकाला और इकोनॉमिस्ट जो विश्व की बहुत आ, एक जानी मानी पत्रिका है उसने भी लिखा है कि इसकी वजह से जो हमारी जीडीपी है उसका टू परसेंट ग्रोथ वो फिनटेक की वजह से है इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है युवा लोगों को रोजगार मिल रहा है और कोई जरूरी नहीं है कि ये सब आई आई टी आई आई एम है भारत पे कहीं अगर मैं जिक्र करूं तो उसमें कोई भी आई आई टी आई एम नहीं आई आई टी ड्रॉप आउट जरूर है उसका फाउंडर लेकिन पूरा आई आई टी उसने भी नहीं किया और चार वर्ष में ही भारत पे जैसी कंपनी जो है खड़ी कर रही विजय शेखर शर्मा उन्होंने तो खैर रिमार्केबल जॉब किया है जब हम मैं स्टेट बैंक में था और अभी भी मैं अपने को स्टेट बैंक का ही समझता हूँ और लेकिन जो पेमेंट स्पेस में पेटीएम ने किया है वो अपने आप में एक बहुत आज भी सब कुछ है योनो पे है गूगल पे है लेकिन पहला जो वो होता है पेमेंट के लिए वो पेटीएम पे आप क्लिक करते हो मोस्टली रिमार्के एक बात आई जो कि आज की थीम है विषय है कि फिनटेक और बैंक्स तो ये क्या कॉम्पिटिटर तो मैं तो दोनों ही साइट्स देख रहा हूँ भारतीय स्टेट बैंक में भी मैं अध्यक्ष रहा और जैसा आप सबने एक्नॉलेज भी किया कि सबसे बड़ा जो आज न्यू बैंक है या फिनटेक है वो योनो है और उसका विश्व में पूरे विश्व में रिकॉग्निशन है वो बोर्ड रूम्स में जो बैंक्स हैं, इंटरनेशनल बैंक्स हैं कंसल्टेंट्स हैं उसमें डिस्कशन होता है ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन है कि स्टेट बैंक जो कि एक सरकारी बैंक है तो उसने कैसे इसको क्रिएट किया और कंपटीशन में नहीं मानता कि कंपटीशन है क्योंकि जो लीगेसी बैंक है भारतीय स्टेट बैंक या जो भी बैंक है वो समाज की कुछ उन चीजों को कम कॉस्ट में और सेटिस्फैक्ट्री ढंग से नहीं करते तो एक गैप और उस गैप को आज और फिनटेक्स पूरा कर और दोनों अभी तो को एग्जिस्ट करेंगी क्योंकि जो काम फिनटेक करते हैं जिस स्पीड से इनोवेशन एजिलिटी वो बैंक्स लिगेसी बैंक्स अभी नहीं कर पाए उनका सिस्टम ही नहीं है अगर मुझे भारत पे मैं आज कोई चीज कराना होगा तो मैं चार पांच दिन में वो लोग डिलीवर कर देंगे अगर मैं रविंद्र पांडे जी को बोलू ये डी डी सी आई यू है तो अगर इनको बोले स्टेट बैंक में तो उसी काम को करने में कम से कम तीन से चार महीना लगेगा लेकिन वो क्योंकि इतना बड़ा बैंक है उसके प्रोसेस हैं तो फिनटेक की तरह काम करना उनके लिए संभव ही नहीं आगे जो आने वाला समय है उसमें कोलैबोरेशन होगा तो उसकी एक्विजिशन कॉस्ट कस्टमर लाने की कॉस्ट ढाई हजार रुपये आती है जब ये काम पोस्ट पे या स्लाइस करता है तो उसकी कॉस्ट ढाई सौ रुपये आती है एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे आपकी एग्रीकल्चर में लेकिन एग्रीकल्चर में भी जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है अभी बहुत जबरदस्त काम उस क्षेत्र में हो रहा है और एग्रीकल्चर की जो उत्पादकता है वो भी बढ़ेगी और क्रेडिट फ्लो भी बढ़ेगा और फिर कोलेब्रेशन भी होगा कन्वर्जेंस भी होगा ये भी होगा कि भाई बैंक्स जो है वो किसी फिनटेक को एक्वायर करेंगे फिनटेक्स हैं वो बैंक को एक्वायर कर रही अगेन जो सेंट्रम फाइनेंस और भारत पे ने किया कि पीएमसी बैंक को एक्वायर कर लिया तो कन्वर्जेंस भी है कोलेबोरेशन भी है और कंसोलिडेशन भी है लेकिन जो भविष्य है देश का किसी भी देश का और किसी भी संस्था का वो इसी में है कि टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करें और तेजी से एडॉप्ट करें वरना आपका जो सर्वाइवल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बिना टेक्नोलॉजी के आज के समय में संभव नहीं है तो मैं बहुत और ज़्यादा इस सब्जेक्ट पे तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है लेकिन अब खाने का भी समय हो गया है करीब करीब नौ बज गए हैं तो मैं एक बार पुनः डॉक्टर जग्रवाल और मिश्रा जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सबको एक साथ इस मंच पर लाने की कोशिश की और एक जो आज का सबसे बड़ा जिसको कह सकते हैं कंटेम्प्रेरी टॉपिक है उस पर एक डिस्कशन हुआ कुछ विचार आए और उनकी बुक रिलीज हुई तो मैं इस बात की भी शुभकामना देता हूं कि इस बुक को सफलता मिले और आप आगे भी इसी तरह का और प्रयास करें इस तरह के और आयोजन करें और इसी तरह से हम लोगों को बुलाएं और हम लोग आएंगे थैंक यू वेरी मच